यह अपराह्न के सत्र में समवेत अल्पसंख्यक श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोता का संख्या का कोई मायने नहीं होता, श्रोताओं का गुण का मायने होता है। तो हम जिस विषय में अपना वक्तव्य रखूंगा यह है यूनिक म्यूजिकल ट्रेंड्स एंड मेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ ओडिशन कल्चर एंड प्री एंड मेडिएवल एज में कालखंड का भी स्वरूप दे दिया है। 350 साल हम जब ओडिसी को एक शास्त्रीय संगीत के रूप में साबित करना चाहते हैं तो हमको पेश करना होगा जो उड़िया छंद में, जिसको मीटर कहते हैं आप व्याकरण में, उसमें क्या ऐसा स्वातंत्र्य है जो दूसरे कई संगीत विधाओं में नहीं है। हम अपने को, अपने आप को शास्त्रीय संगीत कहेंगे ये कोई तो मानेगा नहीं। आपका विशेषत्व क्या है, आपका स्वातंत्र्य क्या है? जब आपका कोई स्वातंत्र्य विशेषता अगर नहीं है तो आप कैसे शास्त्रीय मान्यता आप मांग रहे हैं और हमको बोल रहे हैं हम स्वीकार करें आप शास्त्रीय है। तो इसीलिए मैं जो कालखंड का निर्णय किया हूं, 350 साल का कालखंड, ये कोई एक दो साल का एक दशंधि नहीं है। 350 साल एक संगीत का इतिहास में प्रमुख होता है। तो इसीलिए ये 350 साल में हमारा ओडिसी संगीत क्षेत्र में क्या क्या विधाएं रहे हैं, क्या क्या छंद रहे हैं, जिस छंद को प्रयोग करके हमारे इस कालखंड के बहुत सारे कवियों ने बहुत सारे काव्य रचना किए हैं, और ये छंद दूसरे कोई संगीत विधा में आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये अनन्य है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड यूनिक। सो तो पार्ट वन में अब देखिए, उड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर लाइक संस्कृत बेसिकली इज बेसिकली मेट्रिकल एंड म्यूजिकल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप इस संदर्भ में मैं आप वाल्मीकि रामायण का एक उदाहरण देना चाहूंगा। विश्व का प्रथम छंद क्या है? विश्व का प्रथम छंद जो है वो है वाल्मीकि का मुख से निकला हुआ छंद। वो कब निकला, किस परिस्थिति में निकला? जब त्रौंच और त्रौंची का मिलन हुआ था उस समय एक व्याध ने त्रौंच को सराघात किया और त्रौंच वो मिथुन विच्छेद हो गया, मैथुन विच्छेद हो गया और त्रौंच गिर पड़ा नीचे मरा हुआ। तो उसके बाद आप उस स्थिति को थोड़ा ध्यान में लाइए, वो त्रौंची विलाप कर रही है और इतना करुण रस में वो विलाप भरा हुआ था तो वाल्मीकि का हृदय बिगल गया और वो बिगल जाने का स्थिति में उनका मुंह से वो जो व्याध का प्रति जो घृणा पैदा हुआ वो एक श्लोक का रूप में निकला। वो श्लोक है, आप जानते होंगे, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समाह जब त्रोंच मिथुनादिकम मवधि कामो मोहिता। दिस इज द फर्स्ट मीटर एवर फाउंड इन द एंटायर वर्ल्ड एंड दिस पर्टिकुलर वर्स, दिस पर्टिकुलर मीटर अपील टू वाल्मीकि सो मच दैट ही कंपोज द एंटायर रामायण यूजिंग दिस वर्स। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर। So that is why I mean to say that, like Sanskrit, Sanskrit is primarily versical from the very beginning, and likewise Odia Chand is also based on meters from the very beginning. So there is more than 2000 years old tradition of Odia language. If you have given it attention to the morning session papers presented to you, you must have remembered that Bharata Muni belonged to a period either BC or AD. Transitionally, he might have belonged to 100-200 before Christ
or 100 200 years after Christ. The date is still not confirmed. So Bharatmuni Natya Shastra में जो उड्र मागधी वृत्ति का सूचित किया है वो कन्फर्म करता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जब रचना हुआ था तब उड़ीसा के क्षेत्र में संगीत का एक समृद्ध परंपरा ऑलरेडी था, नहीं था तो भरत मुनि अपना नाट्य शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं करते। तो ये एक प्रमाण है हमारे लिए जो उड़ीसा क्षेत्र में दक्षिणात्य जैसे है, पंचाल जैसे है, मगध जैसे है, उड़ीसा क्षेत्र में भी समृद्ध संगीत का एक समृद्ध परंपरा रहा। अच्छा, मेट्रिकल पैटर्न्स इन ओरल ट्रेडिशन, हमारा जो उड़िया साहित्य है वो साहित्य का लिखित रूप हमको 1000 साल से ही मिलता है। अच्छा, हम दावा करते हैं कि हम 2000 साल पुराना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको लिखित रूप, मानिए लिखित रूप 1000 साल से हमको मिलता है, लेकिन लिखित रूप नहीं होने से भी एक जाति तो था, उसका चलन तो चलता था, वो आपस में बातचीत तो करते थे, लेकिन भाषा का कोई लिखित रूप नहीं था, लेकिन ओरल ट्रेडिशन तो था ही, नहीं तो एक जाति बचेगा कैसे। तो ओरल ट्रेडिशन में आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रोवर्ब्स, जिसको हम ढग कहते हैं, मुहावरे कहते हैं, धमाली कहते हैं उड़िया में, वो लोकोक्ति जिसको कहते हैं हम, ऐसे बहुत सारे लोकोक्तियां है जिसका लिखित रूप नहीं था लेकिन मौखिक रूप था। तो इसीलिए वो जो मौखिक रूप था, वो मौखिक रूप जो लोकोक्ति था उसका स्वरूप भी मेट्रिकल ही था, छंद था। उसका स्वरूप भी मेट्रिकल ही था। मैं कितना दो चार उदाहरण दिया हूं उसको, उड़िया आप उड़िया लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, आप उसका मर्म सही नहीं समझेंगे, सिर्फ मीटर को देखिए, मैं उसको उच्चारण करता हूं, कही भी नहीं कहिले एक भरे रही भी नहीं, देयर इज मीटर। देन ब्राह्मण रजा खंटप रजा दहड़ा आंबिल शीतल भजा कहे तो नहीं ये कहीं मजा जा 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 जा। सो दिस मीटर, दिस इज ए प्रोवर्ब। ससुर ज्वाई सला भिणोई थाली तीनी पट बाढ़ी भी कहीं। सो यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीटर इन व्हिच इट इज कंपोज। सो लाइक वाइज आई हैव गिवन सो मेनी, 1 2 3 इज सफिशियंट फॉर यू। The earliest Odia literature are some mystic poems written by Buddhist poets which were composed in 9th and 10th century. जिसके बारे में आपको बता रहा था मैंने, ये जो earliest literature हमको Odia literature मिलता है वो 8th 9th century में लिखा गया है, उसके बाद Odia literature का कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता। वो जो मिलता है, क्या मिलता है उसमें देखिए, एक कविता है, वो कविता वो अपभ्रंश में लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट का पीरियड है, वो भाषा उड़िया भाषा उसमें से उभर रहा था, उड़िया भाषा जन्म लेने का समय है वो, तो इसीलिए उसमें संस्कृत का अपभ्रंश रूप आपको मिलेगा। तो इसमें जो देखिए मीटर देखिए, का तरुवर पंचमी डाल चंचल चिय पैठे का तरुवर पंचमी डाल चंचल चियो पैठे काल, जस्ट लुक एट द मीटर। अच्छा, इससे आप देखेंगे ये जो मीटर है, मीटर को मैं गा के सुनाता हूं आपको। का तरुवर पंचमी डाल चंचल चियो पैठे काल, कातरुवर पंचमीडाळ। मैं इसको गा के आपको इसीलिए सुनाया कि ये जो मीटर है, ये मीटर बाद में एक कन्फर्म्ड मीटर में रूपांतरित होके काव्य में आ गया, उसको हम कहते हैं रसकुल्या। रसकुल्या एक मीटर है,
वो रसोगुल्ला मीटर कैसे काव्य में प्रयोग किया गया है 300-400 साल के बाद पूर्ण रूप से विकसित मीटर में, उसका रूट यही है। 8th-9th सेंचुरी में जो कविता कंपोज किया गया, जो अपभ्रंश भाषा में लिखित है, उसमें जो मीटर है वो मीटर 300-400 साल के बाद कवियों ने उसका विकसित रूप में उसको एक नाम दिया रसोगुल्ला और काव्य में उसका प्रयोग कर दिया। मैं गा के सुनाता हूं, ये जो मीटर आपको याद है मैं जैसे गाया, वो मीटर कैसे रसोगुल्ला राग में परिवर्तित हुआ, वृत्त में परिवर्तित हुआ, मैं गा के सुनाता हूं आपको। विभूषण पुष्पे जाकंती जान विभूषण करी कन्या कुआन वाराणसी रे पद दे आसु बरण करी राम मन तुषु से बोली देले कौशिक जे गोली चंदन को बोली देला परी होइले रघुवंशी कजे। सो दिस मीटर व्हिच केम लेटर हैड इट्स रूट इन दिस 400-500 साल पहले जो कंपोज हुआ था, ये जो कविता अपभ्रंश भाषा में, इससे विकसित रूप लेकर बाद में हमारा कवियों ने कविता में प्रयोग किया। So in these poems we come across some ragas, raginis such as Gujjari, Baradi, Malasri, Dhanasri, Kamod, etc. The intention is to say that even at the time of 8th-9th century, ragas and vrittas were also prevalent. Then even the name of one such poet was Binapa. The Buddhist poet, his name was Binapa. Why his name was Binapa? That means Bina was known as a musical instrument then. अगर बीना प्रचलित नहीं होता तो कोई किसी का नाम बीना क्यों देता? तो बीना संगीत का वाद्य यंत्र के रूप में उस समय में भी प्रचलित था। It is quite evident that variety of metrical patterns were being used from the beginning of Odia literary tradition 1 millennium ago. 1000 साल आगे उड़िया छंद जिसको कहते हैं हम, मीटर कहते हैं, वो 1000 साल से आगे वो प्रयोग होना शुरू हो गया था। ड्यूरिंग 12th सेंचुरी पोएट जयदेव रोट हिज वर्ल्ड फेमस पोएम गीत गोविंद व्हिच वाज म्यूजिकली वेरी रिच। एंड आपको पता होगा ये सर्वभारतीय स्तर में पहला रचना है जहां प्रबंध का स्वरूप हम देखते हैं। प्रबंध क्या है? जो राग ताल में निबद्ध है उसको प्रबंध कहते हैं। प्रबंध का मतलब जिसमें प्रकृष्ट बंधन हुआ है, राग और ताल का प्रकृष्ट बंधन हुआ है, उसको संगीत शास्त्र में प्रबंध कहते हैं। तो जयदेव फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12th सेंचुरी ही कंपोज गीत गोविंद व्हिच इज फुल ऑफ प्रबंध ओनली सेट टू राग एंड तालस। All the 24 Ashtapadis, Prabandhas, they are set to Raga and Taal. The poems of Gita Govinda are called Ashtapadis, all set to Raga and Taal, totaling to 11 Ragas and 6 Taalas. The practice of adding music to poetry, Kavita me Sangeet Dalna, Kavita ko Sangeetatvak Karna, ye Jayadev se hi shuru hua hai Bharat me. To मेरा कहने का मतलब यह है जहां संगीत का इतना समृद्ध परंपरा रहा हो, जहां जयदेव ने गीत गोविंद जैसे रचना किया हो, पहला प्रबंध रचना किया हो, वहां संगीत का एक समृद्ध परंपरा बरकरार था 12th शताब्दी में। द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग म्यूजिक टू पोएट्री स्टार्टेड इन दिस पीरियड एंड इन्फ्लुएंस द सब्सिक्वेंट पोएट्स। वो जो परंपरा शुरू कर दिया जयदेव ने, वो बाकी जो बाद में धीरे धीरे कवियों ने सब आए, वो कवियों ने जयदेव को फॉलो करना शुरू कर दिया। और काव्यों जो रचना किया वो काव्यों में संगीत को डाला, पहले काव्यों में संगीत नहीं था। काव्य जो होता वो उच्चारण धर्मी होता था, रिसाइटेटिव होता था, उसको रिसाइट करते थे,
लेकिन गायन नहीं करते थे। रेसिटेशन एवं गायन में एक अंतर है, आपको पता है, आप संगीतज्ञ विद्वान है, आपको पता है, रेसिटेशन इज समथिंग, गायन इज समथिंग। सो अर्लियर कॉम्पोजिशंस वेर रिसाइटेटिव, उनको आवृत्ति करते थे, लेकिन बाद में जयदेव जो ट्रेंड सेट कर दिया, उसके बाद जो कवियों ने आए, वो कवियों ने जो कविता लिखे, वो कविता में भी वो राग छंद इसको सब प्रयोग करके वो कविता को आवृत्ति प्रधान से वो गायन प्रधान कर दिए। क्लियर? मैं टीचर जैसा बोल रहा हूं, सॉरी। अच्छा, देन वाणी परा पश्यंती मध्यमा वैखंड, आपको पता होगा पहला पहला जो छंद है उसको हम छंद नहीं कहते थे, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम वाणी कहते थे। अच्छा, वाणी क्या है इसको थोड़ा ध्यान में आप लाइए। वाणी जो होता है वो बैखरी होता है। बैखरी का मतलब क्या है, जो मुंह से जो निकलता है शब्द रूप लेके उसको हम बैखरी कहते हैं, लेकिन बैखरी होने से पहले वो तीनों स्टेज से गुजरता है। परा है, पश्यंत मध्यमा है, परा पश्यंती है, मध्यमा है, ये तीनों जो है ये वाणी का अमूर्त रूप है, मूर्त रूप नहीं है। जब तक वाणी को आप नहीं बोलेंगे वो मूर्त कैसा होगा? मैं अंदर में क्या सोचता हूं आपको तो पता नहीं है, मैं जब बोलता हूं आपको पता होता है कि मैं अंदर में ये सोचता हूं आपको ये बोलता हूं। ये जो परा पश्यंती मध्यमा मेरे अंदर है ये अमूर्त है, अदृश्य है, लेकिन जब मैं बोलना शुरू कर देता हूं वो दृश्य हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है ये व्यक्ति यही सोचता है यही बोलता है। ये जो वाणी है हमारा छंद जो मीटर जो है, ये मीटर पहले वाणी के रूप में था, परापश्यंती मध्यमा के रूप में था, जब प्रकाशित हुआ उसको हम वाणी कहें। इसीलिए पहला पहला छंद जो हम देखते हैं जो काव्यों में प्रयोग किया गया है वो छंद को पहले कलशा वाणी कहते हैं, भागवत वाणी कहते हैं, मुनिवर वाणी कहते हैं। वाणी क्यों कहते हैं, जो वाणी जो है वो अपने आप निकलता है। जब अपने अंदर भावुकता चरम पर पहुंचता है, आपको विगलित करता है, आपके अंदर ऐसा मनस्थिति पैदा करता है तो अपने आप निकल जाता है। जैसे वेदों का उत्पत्ति हुआ है, वेदों कोई रचा नहीं, जब मनुष्य का ज्ञान का स्तर, चेतना का स्तर जब विकसित हुआ, परमात्मा ने देखा कि मनुष्य अभी वेद ज्ञान को धारण करने के लिए समर्थ है। मैं अगर किसी का आधार ठीक नहीं है, किसका चेतना का स्तर ठीक नहीं है, मैं उसको ज्ञान दूंगा तो ज्ञान तो धारण कर नहीं पाएगा। तो ज्ञान उसी को दिया जाता है जो ज्ञान को धारण कर सके। तो वेदों का जैसे सृष्टि हुआ, परमात्मा ने देखा कि भगवान मनुष्य का अभी चेतना का स्तर बहुत उन्नत हो गया है, अगर मैं सृष्टि का ज्ञान उनको अभी दूं तो वो धारण कर पाएगा। तो उस स्थिति में ऋषियों का मुंह से वेद अपने आप निकला है, कोई कलम कागज लेके उसको लिखा नहीं है। इसीलिए ये संगीत का भी स्थिति वही है। संगीत का पहला पहला जो वाणी है जिसको हम बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उसको बहुत बनाया है, उसको बहुत सजावट किया है, पहले वो वाणी अपने आप से निकला है बैखरी रूप से। तो इसीलिए ये जो परापश्यंती, तो हमारा छंद जो साहित्य है, छंद साहित्य है, मेट्रिकल पैटर्न जो है वो मेट्रिकल पैटर्न पहले पहले वो वाणी के रूप में स्वतः प्रकाशित हुआ था, उसके बाद हम इसको भिन्न भिन्न रूप देके बहुत सारे वाणियों में उसको परिवर्तन किए। छंद, छंद मीटर और रिदम, छंद रिदम इज ताल, छंद इज मीटर, करेस्पॉन्डेंस ऑफ टर्मिनल साउंड्स, टर्मिनल साउंड्स मीनिंग the end of the sentence, the end of the pada, the end of the pada of the first line rhymes with the end of the pada of the second line. For example, I tell you,
नमहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण. The first line ends with चरण. The first line ends with नमहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण. न एंड न. The end syllable is synonymous with each other. So कहाँ चला गया? पीछे कैसे जाऊंगा भाई? मेरे को आगे चलना आता है, पीछे ज्यादा नहीं आता. अच्छी बात है, ये मेरा स्वभाव ही है. थैंक यू. पूर्ण पछू पड़ेगा. करेस्पॉन्डेंस ऑफ टर्मिनल साउंड्स. देन रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल एंड क्लोजली सिमिलर साउंड्स अरेंज्ड. छंद कैसे चलेगा? छंद चलेगा छंद. लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये तो छंद है. लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस छंद छंद में चलता है. मैं छंद का एक उदाहरण देता हूं आपको सहज अवबोध के लिए. रावण का शिव तांडव आप जानते हैं, सुना होगा. उसमें छंद का जो प्रयोग हुआ उसको उसको क्या कहते हैं? पंचचामर कहते हैं. संस्कृत में बहुत सारे छंद हैं. सर्गधारा है, सर्गुल विकृत है, मंदाक्रांता है, बसंत तिलक है, ये सब छंद है संस्कृत में. रावण का जो शिव तांडव है वो छंद का नाम है पंच पंचचामर. पंचचामर छंद. वो छंद क्या है? जटा कटा हसम भ्रमं भ्रमं निलिंब निर्झरी बिलोल अभिचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलं ललाट पट्टपावके किशोर चंद्र शेखरे रतिपति क्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्पुरत दुगंत संतति प्रमोद मोद मानसे. सो दिस इज ए मीटर, क्लियरली ए मीटर रनिंग इन बिटवीन. सो छंद जो होता है, ये छंद है रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल एंड क्लोजली सिमिलर साउंड्स अरेंज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. धग 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 ज्वलम जटा कटा हसम भ्रम. छंद का नाम क्या बताया? पंचचामर. पंचचामर जो मीटर यूज हुआ है पंचचामर इसको कहते हैं. जैसे संस्कृत में बोला आपको सर्गधारा, बसंत तिलक, देन शार्दूल विकृत, मंदाक्रांता, इसे बहुत सारे छंद हैं संस्कृत साहित्य में. ये जो छंद इसमें प्रयोग किया गया जो पंचचामर कहते हैं. अच्छा, रिदम इज ए नेचुरल स्विंग ऑफ आर्टिकल, तो उसको छोड़ दीजिए. अच्छा छोड़, मैं तो छोड़ूंगा, कोई छोड़े. अच्छा चलिए, वृत्त. हमारा जो छंद को हम वृत्त कहते हैं. छंद और वृत्त में एक थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है. ये जो वृत्त है, लिटरल मीनिंग ऑफ वृत्त इज ए राउंड और सर्कल. अच्छा, मैं इसको ग्राफिकली भी आपको दिखाया. इट हैज इवॉल्व फ्रॉम ए सिंपल मीटर टू बिकम ए लॉन्ग इंट्रिकेट वेल बाउंड एंड म्यूजिकली एनरिच्ड कंपोजिशन. सिंपल छंद जो था पहले, सरल छंद था, दो लाइन का छंद, वो दो लाइन का छंद बाद में छह लाइन हो गया. ये जो छह लाइन हो गया वो छंद शुरू से छह लाइन घूम घूम के फिर वापस आएगा. दो लाइन का छंद में आपको सुनाया भागवत का, उड़िया भागवत का, नमहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण. ये दो लाइन का छंद है, तो ऐसे ये चलेगा. लेकिन मैं जो वृत्त आपको बता रहा हूं, ये जो वृत्त बहुत लॉन्ग होता है, ये ऐसे शुरू होता है, ओरिजिन होता है, जाता है, वो साइकिल कंप्लीट करके फिर ओरिजिन पर आता है. इसको कहते हैं जो छंद था दो लाइन का, वो जब एक छंद बन गया छह लाइन का, वो वृत्त का रूप ले लिया. छंद और वृत्त में इतना अंतर है. एक छंद दो लाइन का मैंने आपको सुनाया, एक छह लाइन का वृत्त आपको सुना रहा हूं.
वो भी छंद है लेकिन वृत्त में परिवर्तित हो गया क्योंकि उसका जर्नी लॉन्ग हो गया, लॉन्ग जर्नी करके वापस आ रहा है अपना घर, इसको वृत्त कहते हैं। वृत्त का एक उदाहरण देता हूं आपको, बीतड़ को आलिंगन करी जन विशोभन हरे सुर वर ताप चारु धारा से बहे मकर केतन उच्छन रति समान पूरित होइछि पुणि अशेष रसे दिव्य हैमवती पदरे विषकण्ठ तो सदानी बेनी मतरे। ये एक पद, दूसरा पद को अब जाएंगे फिर रिपीट होगा, विष्णु पदी विष्णु पद इकार भेद शब्द। ये जो हुआ पहले पहले छोटा छोटा मीटर था, बाद में उसको ज्यादा म्यूजिकल बनाने के लिए, उसको उसमें मेलोडी भरने के लिए छंद को विस्तार किया गया, तो दो लाइन का छंद छह लाइन में परिवर्तित हो गया। तो ठीक है जीवन, जो गाया कहां से गा रहा हूं, ये उपेंद्र भंज का वैदेही से विलास से गा रहा हूं। तो जो वैदेही से विलास है पूरा पूरा टोटल काव्य भाव में लिखा गया है। अच्छा तो ठीक है, तो इट इज लाइक दिस सिंपल मीटर्स इवॉल्वड एज वृत्तस हैव एडेड एनॉर्मस म्यूजिकल वैल्यू। जब दो लाइन का मीटर छह लाइन का मीटर में परिवर्तित हो गया उसमें ज्यादा म्यूजिकलिटी आ गया, उसमें ज्यादा मेलोडी आ गया, इसीलिए ही इसको इसे बनाया गया। नहीं तो पहले दो दो मीटर का छंद तो चलता था, लेकिन कवियों ने बाद में सोचा हम अपना जो रचनाएं हैं वो रचना में हम संगीत का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, उसमें गायन धर्मी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि लोगों को ये याद में रहेगा। अगर गायन होता है तो ज्यादा याद रहता है, तो इसीलिए ज्यादा मेलोडी लाने के लिए, ज्यादा म्यूजिक लाने के लिए वो छंद को वृत्त में परिवर्तित किया। देन एडवेंट ऑफ म्यूजिक इन मीडिया विलेज। अच्छा क्यों ऐसा हुआ आपका मन में ये प्रश्न आ सकता है, तो छंद तो चलता था, वो छंद को वृत्त में क्यों परिवर्तित किया? इसका कारण यह है कि 17th सेंचुरी में संगीत का विकास हुआ, संगीत का चर्चा ज्यादा हुआ, संगीत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ रचना किए गए और कवियों ने यह प्रेस्क्राइब किया गया कि काव्य लिखने के लिए कवियों को संगीत का ज्ञान होना चाहिए। संगीत का ज्ञान नहीं होगा तो आप कवि नहीं बन सकते, क्योंकि आप जो कविता लिखते हैं वो कविता लोगों को कैसे जाएगा, लोगों में कैसे जाएगा? तो ज्यादा गायन धर्मी होगा, लोग पढ़ेंगे याद रह जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिकलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडी। मेलोडी और म्यूजिक तो लोगों को याद रखने में हेल्प करता है ना, तो इसीलिए कवियों ने क्या किया, पहले संगीत का ज्ञान लिया, संगीत का ज्ञान लेके संगीत में अपना रचना को सजाया, और ये सजाने के लिए उसका पीछे कौन हेल्प किया, संगीत शास्त्रों ने हेल्प किया। 17th सेंचुरी तक बहुत सारे संगीत शास्त्रों ने आ गया और संगीत का चर्चा भी बहुत आ गया, संगीत के विद्वान का समावेश हुआ और कवियों ने संगीत का सीखने का उनको मौका मिला ताकि उनका संगीत उनका काव्य रचना ज्यादा सांगीतिक हो। तो इसीलिए ये सब एडवेंट ऑफ म्यूजिक है, इसका प्रभाव से ये जो कालखंड में हम काव्य देखते हैं वो काव्य ज्यादा मेलोडियस होता है। The music was nurtured and patronized by courts of feudal kings. उड़ीसा में जितने राजाएं थे, जमींदार थे, उनका कोर्ट में संगीत विद्वानों रखते थे, यहां भी रखते होंगे, बनारस में भी, लखनऊ में भी तो ऐसा ही था, लेकिन हमारा जो उड़ीसा में जो कालखंड का बात आप कर रहा हूं वो 350 साल का कालखंड है, उसमें बहुत सारे राजाएं थे और हर राजा अपना एक दरबार था, दरबार में पंडित विद्वानों को बुला के संगीत का चर्चा करता था,
उसमें संगीत का विकास हो गया, और संगीत का विकास हो गया उसका असर साहित्य में भी आ गया। तो म्यूजिक बिकेम ए कैरियर ऑफ रिच लिटरेरी वर्क्स, पीपल लाइक्ड एंड इजीली मेमोराइज्ड इट बिकॉज दीज वर सिंगेबल एंड द पोएट्स क्रिएटेड वेरीड मेट्रिकल पैटर्न्स फॉर वैरायटी इन सिंगिंग। पहले पहले जो 10-15 मीटर थे वो बाद में 100 हो गए, बहुत सारे मीटर आ गए, बहुत सारे मीटर आ गया, बहुत सारे इंट्रिकेट मीटर आ गए, जटिल मीटर आ गए। और मैं जो गा रहा हूं आपको और एक दो गा के आपको सुनाऊंगा, आपका संगीत ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको गा नहीं पाएंगे। देन ये 350 साल का कालखंड में ये कवियों ने धातु और मातु का प्रयोग किया। धातु क्या होता है? धातु जो होता है वो काव्य का लैंग्वेज होता है, काव्य का शब्द होता है, स्ट्रक्चर होता है। मातु क्या होता है? मातु होता है काव्य का संगीतमयता। किस छंद, किस मीटर, मेरा काव्य का भाव क्या है, मेरा काव्य का विषय क्या है, वो विषय और भाव के आधार पर मैं इसमें कौन सा मीटर यूज करूं। बहुत सारे मीटर है मेरे लिए, मेरे पास, जैसे मीटर में बता रहा हूं, एक कल्याणहारी है, एक चौकी है, एक पंचम बराड़ी है, जो मीटर का वो राग भी है, लेकिन बहुत सारे मीटर का नाम राग भी रखा गया है। कल्याणहारी तो राग है, लेकिन कल्याणहारी में मीटर भी है। कौशिक एक राग है, कौशिक का एक मीटर भी है। कन्नड़ा एक राग है, कन्नड़ा का एक मीटर भी है। तो इतने सारे मीटर जो है वो मीटर से किस मीटर मेरा विषय के ऊपर प्रभावी होगा, मेरा विषय को कैरी करेगा, उसको चुन चुन के वो मीटर पकड़ते थे और वो मीटर में अपना काव्य लिखते थे। सो दिस इज कॉल्ड मातु। धातु है काव्य का भाषा, धातु है काव्य का स्वरूप, और गायन धर्म जो होता है वो मातु होता है। तो ये कालखंड में 350 साल के कालखंड में कवियों ने धातु और मातु का प्रयोग अपने काव्यों में किया, जैसे जिससे काव्य समृद्ध हो गया और काव्य का संगीत भी समृद्ध हो गया। देन पार्ट टू, फेज ऑफ उड़िया ऑर्नेट पोइट्री। ऑर्नेट पोइट्री प्रोफेसर साहू सुबह बता रहे थे आपको, ऑर्नेट पोइट्री जो होता है उसको हम आलंकारिक काव्य कहते हैं। आलंकारिक काव्य क्या है? अलंकार क्या होता है? काव्य जो होता है, जैसे एक महिला, एक नारी, उसका उसका अलंकरण नहीं होगा तो उसका सौंदर्य उभरेगा नहीं। एक नेचुरल सौंदर्य तो है, सबके पास है, जो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक सौंदर्य को और निखारने के लिए, और सौंदर्य मंडित करने के लिए एक अच्छा साड़ी पहनना चाहिए, एक अच्छा अलंकार पहनना चाहिए, एक अच्छा कान का अलंकार पहनना चाहिए, और थोड़ा प्रसाधन भी लेना चाहिए। क्यों लेते हैं हम? ये कि हम ज्यादा सुंदर दिख सके। तो इसीलिए काव्य में भी जो पहले पहले काव्य जो थे वो काव्य सरल थे, भाषा भी सरल था, भाव भी सरल था, लेकिन बाद में जो काव्य आ गए वो काव्य पांडित्यपूर्ण होना पड़ा उसको, क्योंकि काव्य का पेश होता था दरबार में, जो दरबार में कवियों ने, पंडितों ने वो काव्यों को चर्चा करते थे। अगर उनका मन में एक काव्य नहीं आया तो काव्य को पसंद नहीं करेंगे तो कवियों का सब परिश्रम वृथा हो गया। तो इसीलिए वो काव्य में वो रस डालेगा, काव्य में अलंकार डालेगा, काव्य में ध्वनि डालेगा। वो रस, अलंकार, ध्वनि, औचित्य, ये जो सब अलंकार शास्त्र में लिखा हुआ है ये सब का प्रयोग उसमें करेंगे। तो करने का बाद जब दरबार में पेश होगा काव्य, वो काव्य पेश होने में वो पंडितों ने जब चर्चा करेंगे, आप बहुत अच्छा काव्य है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ना धातु मातु का प्रयोग किया और काव्यों को अलंकृत किया, और उसके बाद काव्यों को संगीतात्मक भी किया। निजात जिस कालखंड का बात कर रहा हूं, इस कालखंड में ये सब प्रमुख कवि है। कवि सम्राट भूपेंद्र भंजन मेरा गांव का कवि है।
देन कवि सूर्य बलदेव रथ वो भी मेरे इलाके से है, कवि गोपाल कृष्ण, कवि अवगुण सावंत सिंह, वो 300-400 साल पहले ये सब कवियों ने काव्य रचना किया है, उड़िया साहित्य को समृद्ध किए हैं। देन समछंद, समछंद, समछंद मीन्स द लाइन्स ऑफ द मीटर आर द सेम, नाइन लेटर मीटर, फर्स्ट लाइन 9 लेटर, सेकेंड लाइन 9 लेटर। अच्छा, देन दिस इज 9 लेटर, 10 लेटर, 11 लेटर, दिस इज कॉल्ड समछंद। फर्स्ट लाइन इज 11 सिलेबल, सेकेंड लाइन इज 11 सिलेबल, अक्षर संख्या समान है। मैं समय के पाबंदी है इसीलिए उसको विस्तार से बता नहीं पा रहा हूं, नहीं तो एक एक का उदाहरण मैं देने के लिए तैयार था, समय का ये 4 बजे में खत्म करूंगा जी। एग्जाम्पल देने के तो मैं तैयार हूँ, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। अच्छा, एक उदाहरण मैं देता हूं, ये समछंद है। समछंद मींस जिसका लाइन में जितना अक्षर है वो अक्षर समान रहता है। एक छंद है चक्रकेली, उसको कहते हैं चक्रकेली। उदाहरण के तौर पर मेरा प्रसिद्ध कवि उपेंद्र भंज के वैदेह विलास से ही एक उदाहरण में देता हूं। ये प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र और सीता माँ सीता का ये मिलन का मधुसज्जा रात का विषय है। ये जब दीप जल रहा है, रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र कह रहे हैं माँ सीता को, जे ये शरीर में आखिरी सांस तक मैं कोई दूसरों को मेरा बांधवी और पत्नी नहीं करूंगा। तो सीता इसको सुन के क्या करते हैं, अपने केस में जो केतकी का फूल होता है, ये केतकी का फूल पेन जैसा होता है, उसको निकालते हैं और कस्तूरी लिखते हैं, जे आप तो एक जन्म का बात कर रहे हैं, मैं 7 जन्म के लिए और जन्म जन्म के लिए किसी को पति नहीं करूंगा आपके सिवा। ये जो इनके बीच में जो बात होता है उसको कवि लिखा है, वर्णन किया है, ये चक्र के लिए उसको छंद कहते हैं। विदग्ध श्री राम चंद्र कहे बंधु जीवन थी बर देहे, बिलासिनी न करिबियान को बोली छुई दीप हुतासन को, बई देही के सुकाढ़ी के तकी वर्ण लिखित पूछी कस्तूरी की, बोली नाही आने आजी जाए तो बड़ाई भी जन्मे जन्मे मुचित। तो नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड इन ईच लाइन रिमेन्स द सेम, सो दिस इज कॉल्ड समछंद। सम मीन्स आइडेंटिकल। देन लाइकवाइज देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। देन कम्स विषमछंद। विषमछंद मीन्स द लाइन्स आर नॉट आइडेंटिकल, द नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड इन ईच लाइन आर नॉट आइडेंटिकल। फ्रॉम समछंद मेनी विषमछंद से इवॉल्व, द नंबर ऑफ सिलेबल्स आर नॉट द सेम एट एवरी लाइन, सो दीज आर कॉल्ड विषम मीन्स नॉट आइडेंटिकल। दीज मेट्रिकल पैटर्न्स आर लॉन्ग, इंट्रिकेट, मोर म्यूजिकल एंड मेलोडियस। साउंड नॉलेज एंड प्रैक्टिस इन म्यूजिक इज रिक्वायर्ड। में आपको गा के सुनाता हूँ विषमछंद का, एक ही उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि समछंद और विषमछंद में क्या अंतर है। पंचम बराड़ी एक राग है, उसको वृत्त भी कह सकते हैं, राग भी कह सकते हैं, जो उड़ीसा के स्वतंत्र है। पंचम बराड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाही चाही तो सौरणी
ককু ভকুরে তরুণী চিত্রার্পিত পরি থিলি বসি চিত্র মণিলি মো তোতে চাহি যা অতর কিতে চারি চক্ষু মিলাইলু আসিরে চলা পাঙ্গি চন্দ্র রুচি পুড়ি সুধা জরি চিরতৃষিতর মুখে ভরি রে চলা পাঙ্গি চাতুর্য কৃপাণু গুণ নিধি রখিলু কি প্রাণ ঘেনিলি মু এতে সরি করি রে চলা পাঙ্গি ঘেনিলি মু এতে সরি করি দিস ইজ ওয়ান পদ And this is one pada and having six lines and all the lines are not identical. So to sing this particular meter, you have to have little bit of musical knowledge, otherwise you cannot sing. So what I intend to say that from the very simple meters, gradually more intricate, more musical, more melodious meters they evolved and which required musical knowledge to perform. Examples of Bishama Chandas, I have given so many. Yes. This is another example of Bishama Chandas, this is from Vidagda Chintamani of Abhimanyu Samanta Singh Narayan. Dhira Chakra Hruda Padma Mihira Rasika Rasa Ratana Vandara Grahaka Prema Banija Pasara Kamika Mada Chintamani Para E Grantha Garima Priti Ananda Sindhu Kuchandrama E Grantha Garima This is another example of Vishwam Chandra. Then Dhruva and Dhruva style, I think I should skip this. Adhruva style is that like other songs, you can return to Mukhra. For example, if I sing an Odissi song like Mallimala Syamukudevi, Madanasa, Mallimala Syamukudevi, Manatosibi, Mallima. So I can come to Mukhra again. This is possibly an Odissi song. Chaupadi. But in this type of singing, kapya singing, chanda style of singing, you cannot return to the first line. So that is called, when you can come back to the first line, that is called Dhruva Pada, the Mukhda. The Mukhda you use in Hindustani music, in Odissi that is Dhruva Pada. Dhruva Pada means coming back to the original line, once again. So in this metrical pattern of singing, you don't have any scope to come back to the beginning. So that is why it is called Adhruva, means you cannot come back to Dhruva again. Then, uniqueness of Odia metrical patterns. There are nearly, I just gave example 1, 2, 3, 4 at the most. There are hundreds of meters, which have been used successfully in Odia ornate poetry. So there is no time, I cannot give examples and explain to you. So the meters later evolved as ragas.
and you will find that some of the meters subsequently they became ragas. Aroha, avaroha, badi, sambadi, they came. And these metrical patterns were the carriers of medieval Odia literature. So 350 years Odia literature, how could it could go to the people? It could go to the masses. Because there was no printing press. There were no books available. And the poets were writing on palm leaves. So one copy or two copies or maybe three, four copies were available. So how could people remember this? People could remember this because of its metrical pattern. If I sing a line, you can easily remember it. So, and the 350 years literature was carried to the masses by these musical and metrical patterns. These metrical patterns reigned the entire medieval period and unique to Odisha culture. मैं दावा के साथ ये कह सकता हूँ, मैं सभी प्रांतों का काव्य साहित्य जो देखा हूँ, जिसमें इस तरह metrical pattern कहीं नहीं है। तो ये हमारा UPS है, USP है, UPS नहीं, USP है, unique selling point ये है कि हम यह हमारा ओरिजिनलिटी है जहां दूसरे कहां नहीं है। यह 10-20 साल का मामला नहीं है, 350 साल का मामला है। जो जिस संगीत में इतना समृद्ध परंपरा रहा हो, जो 350 साल तक चला, बाद में भी चला, उसे पहले भी था, लेकिन समृद्ध हुआ 350 साल से, यह कहां हमारा शास्त्रीय स्वरूप को व्याख्या नहीं करता। तो these metrical patterns reigned the entire medieval period and unique to Odisha culture. This tradition is not found in any other region. Then musical trends in medieval Odia literature, I need not go into this. Professor Sahu in the morning session has already spoken about it. There are various patterns. Using 34 letters, there is a composition, Ka to Kya. Each one couplet in go, like using all 34 letters, our poets have composed poems. Using 16 vowels, they have also composed poems. So like this, Sodasa, Chautisa, Chaupadi. Chaupadi means four couplets, and those are Dhruba. You can come back to the original Mukhra. So like this, we have a musical trend prevalent during these periods. Then one form is Chautisa, one form is Chodosa, one form is Goili, one form is Chanda, one form is Chaupadi, one form is Champu. Our friends from Bhuvaneswar, those who are performing artists, they will present to you. The next day, they will present to what is Chanda, what is Chaupadi, etc. Our great Vijay Jena has come, who is the principal of our Sangeet Mahavidyalaya, who is a Sangeet Academy award winner also. It's a wonderful voice. He will sing and perform tomorrow. These forms you can hear from him. Then, conclusion. Odishan music is essentially literature-based. हमारा जो आधार है, जिसके ऊपर संगीत विकसित हुआ है, हमारा आधार साहित्य ही है। उड़िया लैंग्वेज है जो हिस्ट्री ऑफ मोर देन 2000 ईयर्स। आपको पता होगा, उड़िया एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुका है। हम 2000 साल से पुराना है, ये हम साबित कर चुके हैं, भारत सरकार ने उसको मान्यता भी दे दी। एंड दिस इज ए क्लासिकल लैंग्वेज। द वैरायटीज ऑफ मेट्रिकल पैटर्न्स यूज्ड इन ओडिसी म्यूजिक हैज इवॉल्व्ड beginning from the oral tradition. ये जो जितने मीटर का मैं बात कर रहा हूँ, ये मीटर का origin oral tradition से ही हुआ है. And it has a variety of musical and literary styles and trends. Odishan music has history, long tradition and uniqueness to qualify for a classical status. हमारा ये आपसे निवेदन है, आप अल्पसंख्या में इसमें मौजूद है, फिर भी आप ज्ञानी है, गुणी है, संगीत में रुचि रखते हैं, भारत में कर्नाटकीय और हिंदुस्तानी संगीत तो है ही, उसको स्वीकारा जा चुका है, क्या असुविधा होगा, क्या समस्या होगा आप ओडिसी संगीत को
तीसरे शास्त्रीय संगीत के रूप में स्वीकारे, तो इसमें भारत का महत्व बढ़ेगा, इसमें भारत का सम्मान होगा कि भारत एक उपमहादेश है, भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, इसमें दो विधा है और कोई विधा नहीं है। तो तीन विधा हो जाएगा तो क्या समस्या होगा, अगर चार विधा भी हो जाएगा तो क्या समस्या होगा। इसमें हमारा सांगीतिक मर्यादा जो है, संगीत का मूल्य जो है, वो मूल्यों को और मर्यादा को और बढ़ावा मिलेगा। तो आपको ये आपसे ये निवेदन है, आप तो सुना, कल भी हमारा दो चार सत्र रहेगा और शाम को तो संगीत का परिवेशन ही होगा, वो परिवेशन से आपको और ज्यादा स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा जो ओडिसी संगीत का परिवेशन कैसा किया जाता है और ये परिवेशन कैसे कर्नाटकीय और हिंदुस्तानी से पूर्णतः अलग है, पूर्णतः अलग है। और सुबह हमारा सिंह साहब थे, प्रोफेसर सिंह थे, वो एक अच्छा बात बोला, वो बात तो बोला, आप उड़ीसा का जो भौगोलिक स्थिति आप देखिए, उड़ीसा का स्थिति जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर और दक्षिण का बीच में है। आप जब कोई दो राज्यों का बीच में है, ये राज्य और दूसरा राज्य का प्रभाव आपके ऊपर होगा कि नहीं? आप यहां है, यहां एक राज्य है पड़ोस में, यहां एक राज्य है पड़ोस में, जिसका भाषा अलग है, जिसका चाल चलन अलग है, जिसका बोलना अलग है, जिसका पर्व त्योहार अलग है, तो प्रभाव तो पड़ेगा। तो हमारे ऊपर जो प्रभाव थोड़ा थोड़ा पड़ा है, वो प्रभाव होते हुए भी हम अपना स्वातंत्र और अपना मौलिकता हम नहीं खोए हैं। वो प्रभाव को स्वीकारते हुए अब हम लोग अपना स्वातंत्र को पेश किया है, अभी बरकरार भी रखा है। तो हमारा आपसे ये निवेदन है, आप इसका स्वातंत्र और विशेषत्व को स्वीकारें और जहां भी जाए आप बोले कि ओडिसी संगीत एक स्वतंत्र संगीत है। नमस्कार।